नमस्कार दोस्तों, आरके टेक्निकल गाइड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, तो हमारे पास एक इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आई हुई है, जो कि ये देख सकते हैं। इसे कस्टमर ने खुद से खोल के रखा हुआ था और इसी तरीके से दोस्तों मेरे पास लेकर के आया हुआ है। तो यहाँ पे इसे हम रिपेयर करेंगे, बहुत ही ख़राब कंडीशन में है तो इसे रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देख लें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के अंत में एक लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दूंगा। तो दोस्तों, एक मेरा और भी चैनल था जो कि आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल के नाम से था। तो दोस्तों, उसका आईडी जो है वो हमारा आईडी जो है सो लॉग आउट हो गया है, तो जिसके कारण से मैं उस चैनल में दोबारा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और इसे लॉग आउट हुआ है दोस्तों, लगभग आज से 5 से 6 दिन हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग जिस तरह से उस चैनल में मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो दोस्तों एक बार आप फिर से मुझे सपोर्ट करें। और उसमें दोस्तों लगभग 6,000 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला हुआ है, और वीडियो उसमें लगभग 174 वीडियो हमने अपलोड कर चुका हूँ। तो जो प्यार दोस्तों, जो सपोर्ट आप उधर कर उस चैनल में कर रहे थे, तो प्लीज़ दोस्तों सब भाई लोग से निवेदन है कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, तो इसका नाम हमने रखा हुआ है आरके टेक्निकल गाइड। तो इस चैनल को आप सपोर्ट करें, और फिर से जो भी वीडियो हमने उस चैनल में के माध्यम से आपको मैं बता रहा था, तो सेम वीडियो आपको इस चैनल पर भी मिलेगी। तो आप इस चैनल में आप लोग लगातार बने रहें, और जो भाई लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा चैनल का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जो 120 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है वो निकल चुका है, कस्टमर ने इसे खोला हुआ है, कहीं से कोई मैकेनिक के पास लेके गया था। और यहाँ पे जो एसी इनपुट होता है, ये सॉकेट भी जल चुका है और ये फ्यूज भी जला हुआ है। तो इसे कैसे रिपेयर करेंगे, तो अब ध्यान से इस वीडियो को देख लें। और यहाँ से इसकी जो बजर है वो भी ख़राब हो चुका है, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल लगभग ये फाइबर का है, पिघल चुका है ये, और ये फ्यूज भी उड़ा हुआ है। तो इसे रिपेयर हम कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो इसे पूरा कंटिन्यू सीखने के लिए, पूरा कंप्लीट जानने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो एसी 220 वोल्ट वाला जो वायर है, मेन कोड, ये जला हुआ है। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे और काट देंगे, इसे हटा देंगे इसे, क्योंकि अगर हम इसे ही सोल्डिंग करेंगे इसी क्लिप को, तो फिर स्पार्किंग होती रहेगी। जब इंडक्शन हमारा लोड लेगी तो स्पार्किंग होता रहेगा। तो यहाँ पे हमें सोल्डिंग कर देना है डायरेक्ट, तो इसे हम फटाफट से सोल्डिंग कर लेते हैं। और क्या क्या हमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, वो हम कंप्लीट आपको चेक करके बताएंगे, और कहाँ पे हमें कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए तो भी बताएंगे। और दोस्तों, जो आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल के नाम से जो हमारा चैनल था, उसे भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे उसमें लगभग 6,000 भाइयों का सपोर्ट मिला हुआ था, तो उसे भी हम आपको लगा सकते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। अच्छा, चल जाए। तो इस चैनल में दोस्तों लगभग 5.99 यानी लगभग 6,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर थे, और 6,000 का परिवार भी बोल सकते हैं, और इसमें लगभग 174 वीडियो था। तो दोस्तों, ये चैनल भी हमारा रिकवर होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। तो रिकवर करने के लिए पूरा कोशिश हमने कर रखा है, गारंटी हो भी सकल लो ना भी हो सकल लो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हमारा रिकवर कब होगा। सो तो देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फाइनली इसकी जो मेन कनेक्शन है वो हमने सोल्ड कर लिया है, और जो फ्यूज है वहाँ पे हम अभी फ्यूज नहीं लगाएंगे। तो आपको एक 100 वाट का बल्ब लेना है, और 100 वाट का बल्ब ले करके आपको फ्यूज में ही जोड़ देना है, जो कि ये हमें सीरीज का काम करेगी। यहाँ पे हमें कनेक्शन कर देना है, और उससे पहले आपको मल्टीमीटर ले लेना है। और जब मल्टीमीटर लेंगे तो इस बोर्ड में जहाँ पे भी शॉर्टिंग होने का चांस होगा तो उसे हम चेक कर लेंगे पहले। तो इसे कंटिन्यूटी मोड में रख लेना है, बजर मोड में। तो यहाँ पे इसे मैं आपको सुनाता हूँ, ये बीप की आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्यूज को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे ये फ्यूज जो है वो ख़राब है,
तो यहीं से हम, और एक कैपेसिटर भी फूला हुआ लग रहा है दोस्तों, देखते हैं आगे। और यहाँ पे इसे भी चेंज कर देंगे हम, लेकिन सबसे पहले टेस्ट कर लेंगे उसके बाद चेंज करेंगे। तो इसकी पीसीबी को बैक साइड करने के बाद इसमें जो ट्रांजिस्टर है 0120 का लगा हुआ है, तो वो भी हम शॉर्टिंग जो है उसका, उसको भी हम टेस्ट कर लेंगे। और ये जो कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, ये भी हम चेक कर लेंगे। कैपेसिटर तो ठीक बता रहा है रीडिंग इसका। और तो दोस्तों इसकी जो रेक्टिफायर डायोड लगी है वो डायोड को भी मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगती है उसे भी हमें चेक कर लेना है, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग होगी तो हम 120 नंबर की जो ट्रांजिस्टर है उसे लगाने से पहले हम शॉर्टिंग को दूर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम सीरीज बल्ब के माध्यम से इसे टेस्ट करेंगे। तो शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, यहाँ तक हमारा पीसीबी बिल्कुल ओके है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर जो है वो लगाएंगे, और उससे पहले एक बार हम इसकी जो फ्यूज कनेक्शन में है हम सीरीज बल्ब कनेक्शन कर लेंगे और फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल में आपको डीजे से रिलेटेड भी रिपेयर की जो भी वीडियो है, चाहे वो स्पीकर हो या फिर एम्पलीफायर हो, सारी वीडियो हम फिर से आपको एक बार पुनः बताने का काम करेंगे। और जो भी वीडियो, जो भी चीज़ हमने उस चैनल पे आपको बताया था या फिर बता रहा था, वो सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। जब तक वो चैनल हमारा रिकवर नहीं होता है तब तक आपको मैं इसी चैनल पर दिखाता रहूँगा। तो यहाँ से हमने सीरीज बल्ब का भी कनेक्शन कर लिया दोस्तों। तो यहाँ से हम एक बार फिर वोल्टेज भी टेस्ट कर लेना है हमें। तो इसमें हम लाइन इनपुट कर चुका हूँ, तो यहाँ से लगभग 250 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए, 250 से 300 के करीब मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 310 वोल्टेज हमें मिल रही है। तो यहाँ पे गेट में भी मिलनी चाहिए, और यहाँ पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है। और दोस्तों अगर हमारा यहाँ पर कोई भी वोल्टेज अगर मिलती तो फिर ट्रांजिस्टर ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक नया ट्रांजिस्टर लगाएंगे, 2N25N120 है, जो कि ये लगभग 25 एम्पियर में चलेगी। तो इसे हम सबसे पहले हीट सिंक में टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद हमें सोल्डिंग कर लेना है। तो इसे फुल टाइट करना है यहाँ पे, और जब तक हम इसे टाइट नहीं करेंगे तब तक हमें सोल्ड भी नहीं करना है। तो बहुत ही जेन्युइन तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं बहुत ही जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के बीच में देता हूं। तो दोस्तों मैं डीजे से रिलेटेड बहुत अधिक वीडियो बनाता था उसमें, तो इस चैनल में भी आपको मैं सिखाऊँगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ है, ताकि आपका समय ज़्यादा हम ना लें। और दोस्तों आपको हमारे इस चैनल में भी कहीं से भी आपको एडिटिंग वगैरह नहीं मिलेगी, जो भी है मैं रियल वीडियो आपको दिखाऊंगा और रियल चीज़ आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, जो जेन्युइन तरीका है। तो ये जो है यहाँ पे हम लाइन इसमें इन करेंगे, और लाइन इन करने के बाद थोड़ी सी पंखा में आप ध्यान दीजिएगा इसमें। तो देख सकते हैं थोड़ी सी पंखा जो है हिला भी है, तो मैं फिर से एक बार आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। देखिए पंखा चल रहा है और ये ऑन भी है सेट, तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ये। इसमें दोस्तों एक काम हमें और कर लेना है कि इसकी जो पैनल है वो भी हम सेट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से इसकी जो पैनल आप देख रहे हैं आप, तो यहाँ इस पैनल में थोड़ी सी गंदी है, बिल्कुल मॉइस्चर है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो आपके पास, अगर पेट्रोल हो तो पेट्रोल से भी वॉश कर सकते हैं। तो मेरे पास थिनर है, तो इसी के वजह से हम इसी से साफ़ करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने साफ़ कर लिया है। तो और एक ब्रश से पूरा रगड़ देंगे आप, अगर आप नहीं रगड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ से हम इसकी जो कनेक्टर है वो हम सेट कर लेंगे, और करने के बाद एक बार हम फिर इसमें लाइन इन करके देखेंगे कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है या नहीं। और अभी तक दोस्तों सीरीज बल्ब जो है वो हमारा कनेक्शन में है, तो अगर अभी तक हमारा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सीरीज बल्ब के माध्यम से ही पता चलेगी। तो देख सकते हैं
पैनल में हमारा लाइन इन हो चुका है और सीरीज बल्ब भी बहुत कम जल रही है, बिल्कुल इंडक्शन हमारा ओके मोड में है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसे दोस्तों सेट कर लेते हैं हम, और सेट करने के बाद सारी कनेक्शन करने के बाद एक बार फिर हम इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों जो भी है बिल्कुल आपको मैं जेन्युइन तरीके से सिखाऊंगा बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा सारा सिस्टम ऑन हो चुका है, तो ये जो जंप सीरीज वाला कनेक्शन था इसे हम खोल देंगे और यहाँ पे एक फ्यूज लगा देंगे। तो एक हमने पतला सा वायर यहाँ पे जोड़ दिया है और इसमें एक हम एयर ब्लोवर से जितने भी गंदगी लगी हुई है, जितने भी डस्ट है, सभी कचरा को हम साफ़ कर देंगे। और तो देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है और पीसीबी को टाइट करेंगे हम। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों आप लोगों को, और जिस तरीके से आप उस चैनल में अपना सपोर्ट किए थे तो उसी तरीके से आप इस चैनल को भी सपोर्ट कर दें। और इसी तरह से दोस्तों मैं एक फिर से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे ताकि मैं आप लोगों को भी कुछ नया सिखाने का प्रयास आप लोगों के बीच में करता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कर दें, और कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट मुझे ज़रूर करें, मैं आपका हर सवाल का जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंडक्शन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो इसे हम सेट कर लेते हैं और फिर चेक कर लेंगे एक बार फिर से लाइन इनपुट करके। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइन हमारा बिल्कुल आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।